विभिन्न आकार व प्रकार के मानव व मोटर चालित ये साइकिल रिक्शे किसी प्रतिस्पर्धा या दौड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि अपारंपरिक ऊर्जा के विधिवत प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप रिक्शा देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी रिक्शा जो थी, ये हमारे इंस्टीट्यूट निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई हैं। इनका सारा डिज़ाइन यहीं करा गया है। हमने पहले जो रिक्शा, जो एग्जिस्टिंग रिक्शा है, उसको इम्प्रूव किया। उसमें 3 स्पीड गियर लगाए, बैक व्हील ब्रेकिंग करी, और उसके बाद में इसको कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रिक असिस्टेड पेडल रिक्शा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर सातारा जिले के तालुका पलटन में स्थित ये संस्थान निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्थानीय समाज सेवी एवं विचारक श्री बी.वी. निम्बकर द्वारा स्थापित ये संस्थान 1968 से कृषि, अक्षय ऊर्जा एवं पशु संवर्धन तथा विकास पर सतत कार्यरत है। यहाँ तरह तरह की वनस्पतियों, फूलों, फलों व औषधि पादपों की उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं। संस्थान ने सफ्लावर अर्थात करड़ी की हाइब्रिड व कांटा रहित प्रजाति पर उन्नत किस्म के बीज विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, सफ्लावर के फूलों की पंखुड़ियों से औषधीय चाय का निर्माण कर पौधे के सर्वांगीय उपयोग का रास्ता खोल दिया है। कोलेस्ट्रॉल रहित सफ्लावर का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। भारतीय कृषि में ज्वार की फसल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती देश के प्रायः हर भाग में की जाती है। ज्वार के दानों का उपयोग खाद्यान्न व डंठलों का उपयोग मवेशियों के लिए चारा या घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता रहा है, किंतु संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने इन्हीं डंठलों से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि विकसित की है, जो कि शराब व दवाइयों के मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, इन्हीं डंठलों से शहद की तरह मधुर मधुरा का निर्माण कर किसानों के लिए आय के नए स्रोत खोल दिए हैं। किसानों के देश भारत में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है। भेड़ व बकरियां जनसंख्या के एक बड़े भाग की आजीविका का साधन है। संस्थान ने स्थानीय भेड़ व बकरियों पर अनुसंधान कर उनकी नस्ल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे न केवल उत्तम कोटि का ऊन बल्कि अधिक दूध व मांस प्राप्त किया जा रहा है। निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नारी एक बहुआयामी, बहुउद्देशीय गैर सरकारी संस्थान है, जो मानव हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।